सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, दिस सेशन विल फोकस अपॉन द PIB न्यूज़ ऑफ 24 एंड 25 जुलाई 2021। तो मैं बता दूं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज़ द PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट कंटेन्स दिस पोर्टल कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। And these plans and programs are asked in UPSC Civil Services Examination Prelims and Mains, both the examination, also in the personality test and also in different competition exams. दूसरे competition परीक्षाओं में भी ये सवाल यहाँ से PIB के न्यूज़ से आते हैं और इसीलिए इस पोर्टल से जानकारी निकाल कर एनालाइज करके पुट अप करना हमारा मेजर फोकस है इस सेशन का। लेट्स सी द न्यूज़, लेट्स गो अहेड। But before that, let me tell you, this is Dr. Anurag and I am also an Unacademy educator taking up classes upon the Unacademy platform, India's biggest online learning platform. And मैं वहाँ पे current affairs के session लेता हूँ, Let's Crack UPSC CSE YouTube channel पर। I also take up the plus courses and the free special classes upon the Unacademy. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ। सो लेट्स प्रोसीड एट 24-25 जुलाई, इसके पहले का सेशन भी देख लीजिएगा। दिस सीरीज इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड एवरी 2-3 डेज हम लोग एक सेशन देखेंगे, कंटिन्यूटी में देखेंगे ताकि PIB के सारे न्यूज कवर हो जाए। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट न्यूज कमिंग अप, इंडियन नेवल शिप INS तबर अराइव्स एट सेंट पीटर्सबर्ग रशिया ऑन गुडविल विजिट। यू कैन सी इट हियर, इंडियन नेवल शिप तबर अराइव्ड इन रशिया। तो रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में ये शिप अराइव की है एंड इट इज ऑन अ 5-day गुडविल विजिट एज यू कैन सी टू रशिया टू पार्टिसिपेट इन द 325th नेवी डे सेलिब्रेशंस ऑफ द रशियन नेवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, ये UPSC में नहीं लेकिन दूसरे स्टेट सर्विसेज और बाकी जगहों पे आ सकता है। विच क्या कहते हैं, कौन से कंट्री की नेवी ने 325th डे नेवी डे सेलिब्रेशंस किए, दिस इज रशियन नेवी। एंड यस, इंडिया एंड रशिया का बहुत अच्छा डिफेंस पार्टनरशिप है एज ऑल ऑफ यू नो। ठीक है, शायद इंडिया एंड रशिया का पूरा फोकस ही डिफेंस पार्टनरशिप पे रहा है एंड द कोऑपरेशन इंक्लूड्स स्ट्रांग मिलिट्री टाइज एंड स्ट्रांग कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेवीज टिल नाउ। INS तबर इज अ तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट बेस्ड इन मुंबई, और ये अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड है। और ये शिप भी रशिया ने ही बिल्ट करके कमीशन किया था सेंट पीटर्सबर्ग इसी जगह पे 2004 में। तो कमीशन किया गया था, इट केम इन टू सर्विस एंड इट वॉज प्रेजेंटेड टू इंडिया एंड नाउ इट इज़ अपन अ गुडविल विजिट। अब इस न्यूज़ को कहाँ लिंक किया जाए, मेन्स में दिस न्यूज़ इन UPSC मेन्स यू कैन लिंक इट इन इंडिया रशिया रिलेशंस। यस बिल्कुल, आप ये न्यूज़ लिंक कीजिए वैल्यू एडिशन में, 10 वर्ड्स यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन द प्रिलिम्स INS तबर के ऊपर आ सकता है क्वेश्चंस माइट बी। ठीक है, तो तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग अराइव किया ये, और ये नेवी डे सेलिब्रेशन रशिया के 325th नेवी डे सेलिब्रेशन। दैट्स इट स्टूडेंट्स आउट हियर। तो सेकेंड न्यूज़ देखते हैं हम, तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों तरीके से मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंड न्यूज़, INS एरावत रीचेस जकार्ता विद कोविड रिलीफ सप्लाइज टू इंडोनेशिया। यू कैन सी इट हियर, INS एरावत, इट हैज़ बीन इन न्यूज़, द इंडियन नेवल शिप एरावत, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग फूड सप्लाइज एंड इंपॉर्टेंट दिस क्या कहते हैं मेडिकल रिलीफ ऑल्सो इन द टाइम्स ऑफ कोविड। यस, एंड इंडिया की तरफ से ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है INS एरावत दिस डिजास्टर मैनेजमेंट में। दिस कोविड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडोनेशिया के अलावा इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज में। सो यू कैन सी INS एरावत कैरिड द एसेंशियल COVID-19 रिलीफ सप्लाइज। Ship has brought 5 cryogenic containers consisting of 100 metric tons of liquid oxygen. You can see it here and 300 concentrators. मैं बता दूँ, इंडोनेशिया is going through its worst phase. अभी just a month back India was having the second wave of COVID-19 pandemic. Worst phase था इंडिया के लिए वो, और अब इंडोनेशिया में ऐसी चल रही है हालत।
इंडिया इज हेल्पिंग द अदर कंट्रीज, सो वी कैन लिंक दिस न्यूज इन द मीन्स इज एज अ पार्ट ऑफ गुडविल डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया. यस, गुडविल डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया. ऑल्सो आप अगर कोई क्वेश्चन आया रोल ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया क्या एक्टिव रोल है, बिल्कुल एक्टिव रोल है और ये दर्शा रहा INS एरावत का विजिट. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, दो जगह आप लिंक कर सकते हैं इस न्यूज को. नेक्स्ट तीसरी जगह और एक जगह मीन्स में इंडिया आसियान रिलेशंस. यस, आसियान या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप, वही दक्षिण पूर्वी एशिया. इंडोनेशिया इज अ पार्ट ऑफ आसियान एंड आउट हियर इंडिया आसियान कोऑपरेशन, दिस कैन बी लिंक्ड दिस न्यूज. यस, गिविंग न्यू डायमेंशंस टू इंडिया आसियान कोऑपरेशन द रिलीफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट थर्ड न्यूज आज का स्टूडेंट्स, फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस. एज ऑल ऑफ अस नो महाराष्ट्र कर्नाटक एंड गोवा वर्स्ट क्या कहते हैं, एक रेनफॉल का फेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल कॉजिंग लैंडस्लाइड इन दैट बेल्ट ऑल्सो. एंड ये फ्लड रिलीफ, फ्लड आया हुआ है, रिलीफ ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट बाय 3 सर्विसेज. ये देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये देखिए यहाँ पे एंड इंडियन एयरफोर्स. ये साफ साफ शो कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज 3 सर्विसेज. तो क्या इंटीग्रेशन पे बहुत फोकस चल रहा है अभी स्टूडेंट्स? यस, ये 3 सर्विसेज के इंटीग्रेशन पे थिएटर कमांड, वो तो डिफेंस की पर्पज से चल रहा है, थिएटर कमांड ऑपरेशंस बनाने की बात चल रही है. थिएटर कमांड जस्ट टू इंप्रूव द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ दीज 3 सर्विसेज. लेकिन यहां देखिए डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी दे आर प्लेइंग अ इंटीग्रेटिव रोल. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन. एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर इन GS पेपर 3 दैट दिस इंटीग्रेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज द 3 सर्विसेज. एंड क्या कहते हैं इसमें, यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल, ऑलरेडी इंटीग्रेशन चल रहा है ऑपरेशन में. यहाँ ये देखिए, सो द 3 सर्विसेज हैव जॉइंट हैंड्स विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नेशनल एज वेल एज द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक एंड गोवा. दैट्स इट, इतना काफी है वैल्यू एडिशन के रूप में मेन्स में. नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, चीफ हाइड्रोग्राफर रिसीव्स अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड. ये देखिए, सो वाइस एडमिरल विनय भदवर, दिस चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज रिसीव्ड द अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर. अब आप बोलिएगा सर ये हाइड्रोग्राफर का मतलब क्या होता है? हाइड्रोग्राफर का मतलब होता है टोपोग्राफी, बॉटम ओशन टोपोग्राफी, ओशन रिलीफ स्टडी करना इनका काम होता है. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओशनोग्राफर, ओशनोग्राफी एंड हाइड्रोग्राफी. ओशनोग्राफी का पूरा फोकस ओशन के वाटर, ठीक है, प्लस रिलीफ, वो ज़्यादा वाइड वर्ड है. हाइड्रोग्राफर इज अ स्पेसिफिक वर्ड, अ स्पेशलाइज्ड दिस क्या कहते हैं सर्विस या ऑक्यूपेशन, और इसमें फोकस इज अपॉन द बॉटम रिलीफ. बॉटम रिलीफ प्लस द टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द कोस्ट, समुद्री तट पे भी कौन कौन से टोपोग्राफिक फीचर्स है, रिलीफ कैसा है वहाँ पे, ठीक है, तो कंटिनेंटल शेल्फ कैसा है, स्लोप कैसा है, ऑल्सो द कोस्टल एरिया, क्लिफ, बीचेस, उस पर फोकस. एंड दिस इज डन बाय द हाइड्रोग्राफर. हाइड्रोग्राफर को इस चीज में हेल्प कहाँ से मिलती है? स्पेस टेक्नोलॉजी से. यस तो ये देखिए अवार्ड दिया गया है, ये आ सकता है स्टेट सर्विसेज एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में. किसे मिला है अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड? द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया, यू कैन सी द नेम. बट इन यूपीएससी द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स माइट कम, हाइड्रोग्राफर एंड ओशनोग्राफर में क्या फर्क है? यू मस्ट बी एबल टू टेक आउट द डिफरेंसेज. एंड ये मेन्स में कहाँ न्यूज लिंक होगा? इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर इंडियन ओशन रीजन, यस, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सागर मिशन के साथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ये देखिए, तो COVID-19 में रिलीफ ऑपरेशंस पहुंचा रहा है. अभी आपने देखा INS एरावत टेकिंग इट टू जकार्ता इंडोनेशिया, और उसके साथ में ये हाइड्रोग्राफी का भी कंसेप्ट. इन शॉर्ट, इंडियन ओशन, एनी क्वेश्चन कम्स अप ऑफ इंडियाज रोल, यू कैन लिंक दिस न्यूज. यस, हाइड्रोग्राफी ऑपरेशंस, इंडिया इज लीडिंग द वे. दैट्स इट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स न्यूज है, साइंस एंड टेक के न्यूज चल रहे हैं. ये देखिए, नेक्स्ट फोर्थ न्यूज है, रेयर डिजीज पॉलिसी. ऑलरेडी इस पे जुडिशरी ने
जुडिशरी हैड आस्क द गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक आउट अ रेयर डिजीजेस पॉलिसी, एंड रेयर डिजीजेस पॉलिसी पुट आउट कर दिया गया फाइनलाइज करने के लिए पब्लिक डोमेन में. ये देखिए, तो रेयर डिजीजेज आर दोज विच आर हैविंग अ वेरी लेस अकरेंस इन द इंडियन पॉपुलेशन, बट नन द लेस दे आर दीज रेयर डिजीजेज नीड टू बी क्या कहते हैं कर्ब्ड, एंड ऑल्सो इसके कारण जो परेशानियाँ और ये जो अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए वेलफेयर मेजर्स होने ज़रूरी हैं. तो रेयर डिजीज में मैक्सिमम डिजीजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं एज ऑल ऑफ यू नो, विद वेरी लेस फ्रीक्वेंसी रेट अमंगस्ट द इंडियन पॉपुलेशन. सो द पॉलिसी एम्स एट लोअरिंग द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ रेयर डिजीजेस बेस्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी. देखिए यहाँ पे, सो ये कैसे इसे कैसे कम किया जाए, प्रेवलेंस कैसे कम किया जाए और क्या कहते हैं पॉपुलेशन में. सो बाई काउंसलिंग प्रोग्राम्स, दिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स, प्री मराइटल, पोस्ट मराइटल, प्री कंसेप्शन, पोस्ट कंसेप्शन स्क्रीनिंग, ताकि जो बच्चे पैदा हों उनमें पहले से ये पता चल जाए दैट क्या कौन कौन से फैमिलीज में रिस्क फैक्टर्स हैं. इससे कम से कम प्रेवलेंस एंड फ्रीक्वेंसी कम करने में हेल्प मिलेगा पॉपुलेशन में. ऑल्सो ट्रीटमेंट सपोर्ट दिया जाए ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को. और ये देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू ₹20 लाख अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि शैल बी प्रोवाइडेड. तो ये स्पेसिफिकली पता है रेयर डिजीजेस में आपने देखा होगा द क्राउड फंडिंग कंसेप्ट इज कमिंग अप स्पेसिफिकली फॉर मैनी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन. ये देखिए क्राउड फंडिंग, क्योंकि कितने बच्चों में कुछ क्या कहते हैं ट्यूमरस ग्रोथ्स, कैंसरस ग्रोथ्स, दिस ऑर्गन के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए जा रहे हैं, और ऐसी जगह पे क्राउड फंडिंग हो रहा है. बट नेवरदलेस फिर भी उन्हें बहुत परेशानी हो रही है पेरेंट्स को, एंड आउट हियर दिस पॉलिसी वॉज नीडेड. सो रेयर डिजीजेस पॉलिसी, रेयर का मतलब ये होता है अकरेंस, जिसका बहुत लेस, जिसका प्रेवलेंस रेट बहुत कम है पॉपुलेशन में. नेक्स्ट न्यूज, मेजर्स टेकन टू राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन द कंट्री. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स आर अ सेट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, विच आर गिवन टू क्योर एनी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल हो तो उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के खिलाफ ये ड्रग्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का मतलब ये एंटी लाइफ, ठीक है. सो दीज एग्जाम्पल इज एजिथ्रोमाइसिन, आपने सुना होगा एजिथ्रोमाइसिन. ये सब ड्रग्स COVID-19 के समय बहुत प्रचलन में आए थे, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दीज आर द ड्रग्स. बट एंटीबायोटिक्स हैव अ पर्टिकुलर कोर्स, यानी फाइव डेज तक खाना है, दो टाइम खाना है, तीन टाइम खाना है. मीन्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब द कोर्स, कि क्या रहेगा कोर्स एंटीबायोटिक्स का. बिकॉज अगर उस कोर्स तक नहीं खाइएगा, आप उतने दिन तक नहीं खाइएगा, देन द बैक्टीरियाज डोंट गेट किल्ड एंड दे डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट मेडिसिन, विच बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. और इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस राइज पे चल रहा है, और यही वजह दैट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द एंटीबायोटिक्स, कैसे खाना है, एंड इवन द ओवर द काउंटर medications, फार्मेसी दुकानों पर दवाएं ऐसे ही मिल जाती हैं बिना प्रेस्क्रिप्शन के. तो बहुत ज़रूरी है ये. अब आप बोलिएगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्यों नहीं, मीन्स वाई टू स्टॉप दिस, क्या वजह है कि इसको स्टॉप किया जाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आर लिमिटेड इन नंबर. और एंटीबायोटिक्स अगर काम करना बंद कर देगा उस बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया डेवलप्स रेजिस्टेंस, देन कोई क्योर नहीं बचेगा उस बीमारी का. एनी डिजीज, एनी इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल टाइफॉयड, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, यस, TB. सो इसके लिए द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट, वॉज लॉन्च्ड इन द 12th 5-year प्लान. ये देखिए, और लैब्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, रिसर्च चल रहा है कि कहाँ कहाँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है. एंड सेकंड, ये देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 2017 में. ये देखिए, द एम इज जस्ट द कंटेनमेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस.
कंटेन किया जाए। एंड सर्टन स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च देयर ओन एंटी माइक्रोबियल कंटेनमेंट प्रोग्राम्स, यू कैन सी इट हियर। अब सवाल ये होता है दैट वेयर टू लिंक दिस टॉपिक, ट्यूबरक्लोसिस, हेल्थ एंड डिजीज या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे कुछ भी सवाल आएगा, डोंट फॉरगेट टू नेम दीज टू प्रोग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गेट सम 1 मार्क्स एक्स्ट्रा पुटिंग अप द नेम्स ऑफ दीज टू प्रोग्राम्स। तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक भी PIB में साइंस एंड टेक का ही है, डिजीज का ही है, डिजीज एराडिकेशन प्रोग्राम्स अंडर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, 3 डिजीजेस मलेरिया, फाइलेरिया, काला आजार आर अंडर एलिमिनेशन प्रोग्राम्स। ये देखिए तो ये मलेरिया, फाइलेरिया एंड काला आजार, लेप्रसी एंड ट्यूबरक्लोसिस पे क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए और क्या एम्स यहाँ दिया हुआ, प्रीलिम्स दिस कैन बी आस्क्ड। ये देखिए सो गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग 3 डिजीज एराडिकेशन प्रोग्राम्स, नेमली नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रसी एराडिकेशन प्रोग्राम एंड नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो हैव अ लुक, एराडिकेशन ऑफ द डिजीज इज परमानेंट रिडक्शन टू जीरो ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंसिडेंसेज ऑफ द इन्फेक्शन। ये देखिए जीरो करना हुआ तो उसे एराडिकेट करने की बात होती है। ओके सो एलिमिनेशन एंड एराडिकेशन में फर्क होता है। एलिमिनेशन इज जस्ट रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज, वेल एराडिकेशन मीन्स कंप्लीट खात्मा करना बीमारी का। तो ये देखिए और यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स चल रही हैं और ये 3 प्रोग्राम्स हम देखेंगे। पहला प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये देखिए वेक्टर बॉर्न का मतलब होता है जो किसी वेक्टर करियर से ट्रांसमिट होता है, एग्जाम्पल मॉस्किटोज। सो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई द एनोफलीज, फीमेल एनोफलीज मॉस्किटो, इसके दिस क्या कहते हैं, दिस फीमेल एनोफलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया फ्रॉम 1 पर्सन टू अदर। एंड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड 2016-30 के ड्यूरेशन में, 15 ईयर्स का ड्यूरेशन में एलिमिनेट करना है मलेरिया इंडिया से। तो बहुत सारे इंटरवेंशन है, अर्ली टेस्टिंग किट्स, ये देखिए टेस्टिंग किट, ऑल्सो सर्विलांस एंड रैपिड रेस्पॉन्स, स्प्रे करना जस्ट टू प्रिवेंट द राइज ऑफ द मॉस्किटोज, बिकॉज द मॉस्किटोज कैरी द प्रोटोजोआ टू द दिस क्या कहते टू ऑल द पीपल एंड कॉज दिस डिजीज। तो क्या ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम 2016-30 ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए द गोल इज टू अचीव 0 इंडिजिनस केसेज ऑफ मलेरिया इन द कंट्री बाई 2027 और उसके बाद 2030 तक सस्टेन करना ये एलिमिनेशन, दैट्स इट। तो ये पहला हो गया मलेरिया। सेकंड इसी वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम में, ठीक है, फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये देखिए फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड, इसका वर्म ट्रांसमिट होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से। देखिए ये भी मच्छर से है, क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट्स द वर्म ऑफ फाइलेरिया फ्रॉम 1 पर्सन टू अदर पर्सन, फ्रॉम 1 पेशेंट टू अदर हेल्दी पर्सन। इसको डिजीज इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए, और नाम इसका एलिफेंटियासिस भी है इस बीमारी का, इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, ऑल बिकॉज इट कॉजेज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स के ऑब्स्ट्रक्शन से द लेग्स बिकम सोलेन लाइक एलिफेंट्स लेग्स, इतने मोटे हो जाते हैं लेग्स। इट इज अ क्लासिकल सिम्टम, ये लक्षण है फाइलेरिया का, और इसको एलिमिनेट करने के लिए दवाएं चलती हैं, ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ये देखिए तो आइवरमेक्टिन, डाइथाल कार्बामाजीन एंड एल्बेंडाजोल, ये तीनों दवाइयां याद करना जरूरी है। UPSC प्रीलिम्स दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, व्हाट इज द ट्रिपल ड्रग थेरेपी, ठीक है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। आइवरमेक्टिन, दिस वॉज इन न्यूज स्टूडेंट्स, COVID-19 में ये दवाई इस्तेमाल की जा रही थी अभी सेकेंड वेव के समय, इट वॉज प्रिस्क्राइब फॉर यूसेज। डाइथाइल कार्बामाजीन, ये भी दवाई है, एंड एल्बेंडाजोल, दिस इज एंटी वर्म, यस, इनफैक्ट आइवरमेक्टिन भी वही काम करता है। तो ये 3 दवाओं के नेम याद कर लीजिएगा। एंड थर्ड डिजीज इज काला आजार, जिस पे फोकस है काला आजार, इसका बहुत बड़ा इंसिडेंस पाया जाता है बिहार एंड ईस्टर्न यूपी में, यस। सो ऑन दैट बाउंड्री काला आजार इज फाउंड इन ह्यूज ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इट अफेक्ट्स।
एंड यहाँ देखिए, इसमें जो इसका जो एम है, ठीक है, टू एलिमिनेट इट, इसके लिए सिंगल डोज ऑफ लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी लैम्ब, ये देखिए शॉर्ट में कहते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ट्रीटमेंट के लिए सिंगल डोज इज गिवन, ये देखिए। सो बिहार एंड झारखंड में मेजरली इसका क्या कहते हैं काला आजार इफेक्ट्स, और ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, तीन डिजीजेज वेक्टर बॉर्न हो गई, जिसमें करियर करियर होता है, एक करियर इंसेक्ट होता है, एंड पहला हो गया इसमें मलेरिया, फीमेल एनोफोरिज मॉस्किटो ट्रांसमिट्स इट, सेकेंड हो गया फाइलेरिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट्स इट, एंड थर्ड हो गया दिस काला आजार विच इज़ ट्रांसमिटेड बाई सेंड फ्लाई, फीमेल सेंड फ्लाई, ये देखिए। इसको, इस बीमारी का एक और नाम है, नोट कीजिएगा प्रीलिम्स में, ये आ सकता है लेशमैनियासिस, यस लेशमैनियासिस, लेशमैनियासिस दिस इज नोन एज। तो ये तीन बीमारियां हो गई वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में उसके कंट्रोल के लिए। उसके अलावा एक और क्या कहते हैं प्रोग्राम है, जो दिस एक बड़ी डिजीज को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया, नेशनल लेप्रसी एराडिकेशन प्रोग्राम। ये देखिए लेप्रसी एराडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रसी इज अ बैक्टीरियल डिजीज, माइको बैक्टीरियम लेप्रे करके इसका बैक्टीरिया होता है, माइको बैक्टीरियम लेप्रे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए क्या कहते हैं, एंड लेप्रसी कॉजेज प्रॉब्लम्स इन द स्किन एंड द नर्वस सिस्टम, यस स्कार होता है अपॉन द स्किन एंड इट इज इट इज सेंसेशनलेस, दैट्स इट, सेंसेशन नहीं रहता है वहाँ पे, एंड उसके बाद इट अफेक्ट्स द स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे इसके एरेडिकेशन का एम रखा गया है, एरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट खात्मा करना इंडिया से इसका, ठीक है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP, ये देखिए ट्यूबरक्लोसिस अनदर बैक्टीरियल डिजीज, यस, एंड यहाँ पे माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये देखिए माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है जो ये कॉज करता है टीबी। वैसे तो मेजरली लंग्स का डिजीज है, फेफड़े का डिजीज है, यस, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, बट इट ऑल्सो इन्फेक्ट्स द स्पाइन, टीबी ऑफ स्पाइन, यस, रीढ़ की हड्डी का टीबी, या इट ऑल्सो अफेक्ट्स द इंटस्टाइन, इंटस्टाइनल टीबी, या ब्रेन टीबी के भी केसेस आते हैं। एंड टीबी में इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट इज नीडेड, लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट। और मैं बता दूं टीबी के मैक्सिमम केसेस इंडिया में ही पाए जाते हैं, दिस इज द रीजन गवर्नमेंट हैज टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स अबाउट इट। द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू एंड टीबी बाई 2025, 5 ईयर्स अहेड ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ऑफ 2030। तो ये देखिए इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन था स्टूडेंट्स, डिजीज एराडिकेशन प्रोग्राम्स अंडर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, थ्री डिजीजेज मलेरिया फलेरिया एंड काला आजार आर अंडर एलिमिनेशन प्रोग्राम्स, वाइल टीबी एंड लेप्रसी इज अंडर, देखिए लेप्रसी इज अंडर एराडिकेशन, और टीबी का भी अभी एम रखा गया है NTB बाई 2025। तो पांच बीमारियों पर डिस्कशन हो गया, यहां से सवाल कैसे आएंगे प्रीलिम्स में, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या दिस वेक्टर, वेक्टर मींस कौन सा करियर इंसेक्ट है। सो रेडी कर लीजिएगा, एंड इन द मेंस आल्सो यू कैन लिंक दिस न्यूज एट सर्टेन प्लेसेस, हेल्थ एंड डिजीज, यस, ऑल दीज आर इंफेक्शियस डिजीजेस, फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट ये देखिए साइंस एंड टेक का नेक्स्ट न्यूज, इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर मटेरियल्स दैट सेल्फ रिपेयर मैकेनिकल डैमेजेस। तो IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER कोलकाता के रिसर्चर्स ने मिलकर पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिकुलर क्रिस्टल्स बनाया है। पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिकुलर क्रिस्टल्स ये क्या होते हैं, दे आर अ क्लास ऑफ मटेरियल्स दैट जेनरेट पावर व्हेन इट अंडरगोज अ मैकेनिकल इंपैक्ट। यस, जब मैकेनिकल इंपैक्ट का मतलब होता है दिस क्या कहते हैं, कोई भी एक्शन, फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर वॉकिंग यू आर क्रिएटिंग अ मैकेनिकल इंपैक्ट अपॉन द फ्लोर, तो मैकेनिकल इंपैक्ट से इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एंड दीज इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कैन हेल्प रिपेयर देम सेल्व फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेजेस। जो भी डैमेज होंगे इन क्रिस्टल्स में खुद ही रिपेयर हो जाएगा विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। क्या अगर ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इस्तेमाल किए जाएं डिवाइसेस में, मशीन्स में, तो क्या लॉन्ग लाइफ हो जाएगी मशीन्स की? लॉन्ग लाइफ, आपने देखा होगा कि दिस डिवाइसेस आर हैविंग अ वेरी शॉर्ट लाइफ ऑल बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। वियर एंड टियर इज अ नेचुरल फीचर ऑफ द मशीन्स। ये देखिए, तो ये जिसका कहते हैं दिस इज अ बिग डिस्कवरी। Devices that we use daily often break down due to mechanical damage, forcing either to repair or replace them. This decreases the life of the equipment and increases maintenance cost. और वहीं पर अगर piezoelectric crystals are used, wastage कम होगा, wastage will reduce, e-wastage will go down. Yes, बहुत अच्छा news देखे link करने के लिए। And second point, this the devices the life will prolong. तो यहां से प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, व्हाट आर पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, व्हाट आर देयर फीचर्स? एंड इन द मेंस डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस इन एनी टॉपिक कमिंग अप ओवर ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसको लिंक कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 10 लिंक करने का मतलब क्या था, 10 वर्ड्स निकाल के लिखिए यहां से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज, ये देखिए कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिस क्या कहते हैं, इट हैज पब्लिश द रिपोर्ट। वट प्रोग्राम वॉज सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च इन 2015, उसके तहत मोबाइल लैब्स आर बींग सेटअप फॉर सॉयल टेस्टिंग। मोबाइल लैब्स मीन्स मूविंग लैब्स। एंड इसका मतलब क्या है, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, ये देखिए 19 फरवरी 2015 एट सूरतगढ़ राजस्थान। इसका एम क्या था, सॉयल सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग। और इससे क्या होगा, दैट सॉयल का हेल्थ कैसा एंड वॉट फर्टिलाइजर्स डज दैट सॉयल रिक्वायर। इन शॉर्ट, एप्रोप्रिएट डोसेज ऑफ फर्टिलाइजर देने के लिए, फर्टिलाइजर का ओवरडोज ना हो जाए, सॉयल पॉल्यूशन ना हो जाए, उसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया था। एंड अब मोबाइल लैब्स लेते आए गए, बहुत अच्छा इंपैक्ट इसका। इन शॉर्ट, यू कैन लिंक दिस टॉपिक इन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये बड़ा स्टेप है भारत सरकार का, दैट रिसेंटली मोबाइल लैब्स हैव ऑल्सो कम अप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज, ये देखिए, प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोमोट करना कंट्री में इन अ क्लस्टर मोड। क्लस्टर मोड का मतलब होता है एक पूरे अच्छे खासे एरिया में। ये देखिए, ऑलरेडी सिक्किम हैज बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम इन द फूड चेन एंड ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन। और उसमें परंपरागत कृषि विकास योजना, ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने का बहुत अच्छा स्टेप स्टूडेंट्स। एंड दिस क्या कहते हैं, इसमें कितने पैसे, कितने दिए गए पैसे और कहाँ कहाँ पे क्या इंसेंटिव्स दिए गए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट नीड टू रिक्वायर वन फैक्ट फ्रॉम हेयर, परंपरागत कृषि विकास योजना प्रोमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस, and please don't forget to link this news in any topic coming over sustainable agriculture practices in GS paper 3. तो देखिए, soil health card scheme हो या परंपरागत कृषि विकास योजना हो, आपको organic farming के concept में आप link कर दीजिए, sustainable agriculture के concept में link कर दीजिए, GS paper 3 UPSC Indian economic topic है। नेक्स्ट सेल्फ, देखिए एग्रीकल्चर का एक और टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का, सेल्फ सफिशियंसी इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। ये देखिए, तो सेल्फ सफिशियंसी इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स, फ्रॉम 2018-19 इट वॉज लॉन्च। ये देखिए, दिस इज द प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 2018-19। एंड एज पर द न्यू डेटा अंडर दिस प्रोग्राम, ऑयल सीड्स हम लोग अच्छा खासा इम्पोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया इम्पोर्ट्स इट, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, इंडिया इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स। ये देखिए, तो अच्छा खासा हमें इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, यही वजह है हमारा अच्छा खासा फॉरेक्स ड्रेन होता है, फॉरेक्स फॉरन करेंसी ड्रेन होता है ये इंपोर्ट करने में। इट्स बेटर वी कैन गो सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता इन
ऑयल सीड्स, इट विल बी अ बिग बिग बूस्ट टू इंडियन एग्रीकल्चर। और इसी के तहत ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स वॉज लॉन्च इन 2018-19, इम्प्लीमेंटेड वहीं उसी साल से हो रहा है, दैट ईयर ऑनवर्ड्स। सो हार्डली 2-3 ईयर्स हैव पास्ड बाई। एंड देखिए प्रोडक्शन में सबसे हाइएस्ट कौन सा ऑयल सीड्स, ये देखिए सोयाबीन का हाइएस्ट इंडिया में, बस इतना याद रखिए सोयाबीन इज ऑन रैंक वन, ठीक है, इन लैक्स टन। ये देखिए ग्राउंडनट इज ऑन रैंक टू, ये देखिए, एंड मस्टर्ड इज ऑन रैंक थ्री, ये देखिए। सो सोयाबीन हाइएस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, ये याद रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑयल सीड्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन इज ऑलरेडी कम दैट ऑयल सीड्स पे क्या क्या काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया गेट्स इट्स 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट रुद्रेश्वर टेम्पल रामप्पा टेम्पल एट पलमपेट वरंगल तेलंगाना इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को, आइए देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज का क्या कंसेप्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का संयुक्त राष्ट्र का सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है, यस। और ये इसका एक प्रोग्राम चलता है, द प्रोग्राम इज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, 1972 से ये प्रोग्राम चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज मीन्स क्या कहते हैं हमारे पास्ट का कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन या ऐसा प्लेस या ऐसा स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ऐसा आर्ट, ऐसा नेचुरल हेरिटेज दैट उसे प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज बोथ, दिस इज द एम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और स्टूडेंट्स ये देखिए सेलेक्शन क्राइटेरिया, देर आर 10 क्राइटेरियाज, कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा सेलेक्ट हो जाता है वो दिस क्या कहते हैं वो प्लेस या वो नेशनल पार्क या वो स्कल्पचर या वो आर्किटेक्चर। एंड लेट मी टेल यू एवरी कंट्री नॉमिनेट्स, हर कंट्री को कहा जाता है आप नॉमिनेट कीजिए कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक विच प्लेसेस कैन गो इन वर्ल्ड हेरिटेज। और उसके बाद वहाँ पे मीटिंग होती है, इन द मीटिंग द डिसीजन इज टेकन। तो ये देखिए 10 क्राइटेरियाज हैं, एनी वन क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। एंड इसमें देखिए द फर्स्ट सिक्स क्राइटेरिया स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर, 2 मिनट्स, पहले 6 क्राइटेरियाज हैं कल्चरल हेरिटेज के, क्राइटेरियाज कि कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा कल्चरल हेरिटेज का तो उसे कल्चरल हेरिटेज का नाम दिया जाएगा, ये देखिए। नेक्स्ट 4 क्राइटेरियाज हैं नेचुरल हेरिटेज के, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इसमें रामप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में लोकेटेड है उसको कौन से क्राइटेरियाज में पुट किया गया था, ईदर 1 या 3, ये देखिए दोनों में पुट अप किया गया था, ये देखिए 1 में क्या है मास्टर पीस होना चाहिए वो प्लेस, क्रिएटिव जीनियस का, ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस का, यस एंड इट्स अ मास्टर पीस दिस टेम्पल। या सेकेंड, इट शुड बी अ टेस्टिमनी, इट शुड डिनोट सर्टन कल्चरल ट्रेडिशन और अ सिविलाइजेशन विच हैज डिसअपियर्ड। तो ये देखिए रामप्पा टेम्पल, एंड इसमें सबसे बड़ी बात है स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बना हुआ है। द टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, ये देखिए यहाँ पे द ईयर इज गिवन 1213, 1213 एनो डोमिनी रुद्रेश्वरा टेम्पल, एंड द काकातिया एम्पायर वॉज एट दैट टाइम रूलिंग दिस रीजन, एंड काकातिया किंग गणपति देव के समय ये टेम्पल बनाया गया था। इट इज़ नोन एज रामप्पा टेम्पल आफ्टर द स्कल्पचर हु एग्जीक्यूटेड द वर्क इन द टेम्पल, जिसने बनाया इसे उसी के नाम पर है। एंड ये देखिए डिस्टिंक्ट स्टाइल, टेक एंड डेकोरेशन, काकातियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ये देखिए स्टार शेप प्लेटफॉर्म विद वॉल्स, पिलर्स एंड सीलिंग्स, यू कैन सी इट हियर। तो मेस्मराइजिंग ब्यूटी है, एंड ये देखिए इसको यूरोपियन मर्चेंट्स ने कहा भी था एंड ट्रैवलर्स ने दैट ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मेडिवल टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन, ये देखिए। सवाल आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मेडिवल टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन, इट्स रामप्पा टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इट, इंडिया के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, एंड इंडिया इसी के साथ इंडिया गॉट इट
गॉट इट्स 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सारे प्लेसेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो इंडिया में याद करने जरूरी है? नो नॉट एट ऑल। क्या याद करना है? लास्ट 2 ईयर्स में कौन कौन से प्लेसेस को रखा गया है इसमें, दैट्स इट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स अबाउट दिस रमप्पा टेम्पल एंड आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। PIB का न्यूज 24 और 25 जुलाई थोड़ा डिटेल हो गया बट नेवर्थलेस इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग फिर देखेंगे 26, 27 और 28 जुलाई का नेक्स्ट सेशन में द PIB न्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डोंट फॉरगेट टू वॉच ईच एंड एवरी सेशन टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द करेंट अफेयर्स ऑफ PIB न्यूज। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, टेक केयर, नमस्कार एंड यस द वेरी सून द डाउन टू अर्थ सेशन आर ऑल्सो कमिंग अपॉन आवर यूट्यूब चैनल। सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा। नमस्कार।